जय माता जी की हुकुम खमांगणी जय श्री राम। मैं डॉक्टर रतन सिंह चिराना आप सभी हुकुम का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऐतिहासिक चैनल चिराना फोर्ट में। हम पढ़ रहे हैं भारत का राजपूत इतिहास वंश श्रृंखला और वंश श्रृंखला में पढ़ रहे हैं सूर्य वंश। पिछले वीडियो में हमने 165वीं पीढ़ी तक महाराज देवधीर तक पढ़ा था। चलिए हुकुम वीडियो को शुरू करते हैं। एक सौ 166वीं पीढ़ी में महाराज देवधीर के पुत्र अक्षयमान राजा बने। महाराज अक्षयमान के पुत्र पिंडीरख 167वीं पीढ़ी में राजा बने। ये पिंडीरख जैसे माँ जगदम्बा की पिंडी होती है, मूलभूत आत्मतत्व उसके ऊपर आधारित नाम है पिंडीरख। इस नाम का ऐतिहासिक महत्व है। महाराज पिंडीरख के पुत्र शांतल 168वीं पीढ़ी में राजा बने और महाराज शांतल के पुत्र अमीरक 169वीं पीढ़ी में राजा बने और महाराज अमीरक के पुत्र प्रतिपथ 170वीं पीढ़ी में राजा बने और महाराज प्रतिपथ के पुत्र देवनिक 171वीं पीढ़ी में राजा बने। देवानिक नाम से पहले भी अपने इसी वंश श्रृंखला में महाराजा धीराज हुए हैं, ये देवनिक है। महाराज देवनिक के पुत्र रजमायक 172वीं पीढ़ी में राजा बने। चलिए हुकुम हम सभी प्रयास करते हैं कि इस वंश श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित किया जाए। इसलिए आप सभी हुकुम से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।